नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। मवा शराब फैक्ट्री बनने से पहले विवादों में घिरी बस्तर के आदिवासी कर रहे विरोध। दरअसल बस्तर के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के धुरगांव में बस्तर बोटेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा 3 एकड़ में महुआ से बनी शराब बनाकर बस्तर का नाम देश विदेश में फैलाना है। लेकिन बस्तर जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और महुआ का काफ़ी बड़ा स्रोत है, यहाँ के आदिवासी नेता इस फैक्ट्री को अब राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं। बस्तर बायोटिक्स के फाउंडर शुभांग का कहना है कि बस्तर में फैक्ट्री खुलने से यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री में उपयोग में आए जाने वाले अपडेटेड मशीनों का उपयोग किया जाएगा और पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्री का संचालन किया जाएगा। सर्व आदिवासी समाज कर रहा विरोध। वही सर्व आदिवासी समाज के महिला प्रभाग की प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी कर्मा का कहना है कि शराब फैक्ट्री के कई दुष्प्रभाव हैं। रुक्मणी कर्मा का कहना है कि कुछ सरकारी कर्मचारी गांव के भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं। एक दिन पहले जनसुनवाई तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को ग्रामीणों द्वारा जन सुनवाई रखी गई थी, जहां देखा गया कि ग्रामीण फैक्ट्री के संचालन के लिए मान गए थे, लेकिन बाद में आदिवासी नेताओं के कहने पर वापस से फैक्ट्री का विरोध होने लगा, जिसे देखते हुए फैक्ट्री संचालकों ने मीडिया से बात की और फैक्ट्री को लेकर सभी अफवाहों को निराधार बताया। हम बस्तर में बुरा गाँव लौटेगुड़ा में एक महुआ डिस्टिलरी और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए अभी हमारी कल एक सुनवाई भी हुई है, अभी प्रोसेस में ही है, अभी कोई प्रोडक्शन यहाँ शुरुआत नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि महुआ को हम एक प्रीमियम और एक अच्छे लिकर की तरीक की ओर से एक देश विदेश में हम उसको आगे बढ़ाएं। जहाँ लोग स्कॉच विस्की वाटर की बात करते हैं, वहाँ हमारा महुआ भी खड़े हो और लोगों के अंदर उसके लिए चाह बढ़े, कि वो सोचे कि हमारा महुआ भी प्रीमियम हो सकता है। इसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए हमने 1,000 लीटर प्रतिदिन की मात्रा वाला एक छोटा सा डिस्टिलरी सेटअप के लिए आवेदन आगे बढ़ाया है, जो एक 3 एकड़ जमीन जिसमें हमें मिली है, 12,000 स्क्वायर मीटर पे हमारा डिस्टिलरी का सेटअप होगा। वो कह सकते हैं कि एक लघु उद्योग होगा, बहुत ही छोटा सेटअप रहेगा, क्योंकि शुरुआत है, हम जानते नहीं कि इसके आगे क्या इसका परिणाम रहेगा, बट ये हमारे तरफ से एक लोगों के दिमाग में हमारी एक पॉजिटिव स्टोरी आगे बढ़े, इसी को लेके हमारा ये उद्देश्य है चाहते। और साथ ही साथ आसपास के लोगों को, आदिवासी भाइयों बहनों को वहाँ रोज़गार मिले। वहाँ जो हर साल हम 7 लाख रुपये उनको एज अ CSR फ्रंट जो हम देंगे, उससे वहाँ स्कूल या जो भी वहाँ के सरपंच, जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट, जो पंच रिक्वायरमेंट रहेंगी, उसको हम हर साल 7 लाख रुपये उनके डेवलपमेंट के लिए देंगे भी। एक तिहाई हिस्से में पेड़ पौधे रहेंगे, एक तिहाई हिस्से में कम से कम कितने हज़ार, 800 से 1,000 पेड़ पौधे हमारे ही 3 एकड़ में हम लोग लगाएंगे, और प्रदूषण भी जीरो, वहाँ ना कोई भट्टी जलेगी, चलेगा पूरा इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, सोलर पैनल लगाएंगे। साथ ही साथ जो भी पानी का वेस्ट बाहर आएगा, उसको ट्रीट करके उसी पानी के का उपयोग करके वहाँ के पेड़ पौधों में पानी देंगे, उसको रिसाइकल करेंगे, तो वेस्ट भी हमारा 0% रहेगा। ये हमारा फैक्ट्री से बाहर एक बूंद कोई वेस्ट नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। आपने कहा फ्रांस 1.5 साल में लगभग 10 से 15 हज़ार बॉटल फ्रांस ने और यूरोप में बेचे हैं। इस साल हमारा प्रोडक्शन नेदरलैंड्स में भी चालू हो जाएगा। नेदरलैंड्स में बनाकर हम लोग यूरोप में, यूके में और साथ ही साथ इंडिया में दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में भी इसका बेचना शुरुआत कर देंगे एज अ प्रीमियम एल्कोहल। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।